बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ बिल्कुल खैरियत से हैं, और वेलकम मैं करती हूँ आपको अपने चैनल पे। तो यहाँ पे दोपहर का टाइम है और मैं अपना ब्लॉग यहाँ से स्टार्ट कर रही हूँ। तो सबसे पहले मैं कर रही हूँ क्लीनिंग, क्योंकि बच्चों को मैंने नाश्ता वगैरह करवा दिया था, और उसके बाद बच्चों को मैंने टब में पानी डाल दिया था। अब वो दोनों नहा रही हैं, तो मैंने सोचा कि जब तक वो बच्चे नहा रहे हैं तो मैं फटाफट से अपनी क्लीनिंग कर लेती हूँ। आप लोग सुनाइए, सब ठीक ठाक हैं? तो फटाफट से करते हैं क्लीनिंग, क्योंकि उसके बाद मुझे खाने की तैयारी करनी है। तो आज खाने में मैं बहुत ही मज़े के चिकन पैटिस बना रही हूँ, तो बस फटाफट से करते हैं सफाई। अगर आप लोग न्यू हैं मेरे चैनल पे, तो काइंडली आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ मेरे चैनल को ज़रूर कीजिएगा सब्सक्राइब, और बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा, ताकि मेरी आने वाली हर न्यू वीडियो आप तक पर वक्त पहुंच सके। यहाँ पे सफाई हो रही है, क्योंकि बच्चों ने ही अपनी चीज़ें बिखेरी होती हैं। तो सबसे पहले तो मैं इनके टॉयज़ वगैरह उठा लेती हूँ और टेबल को क्लीन कर लेती हूँ। बस दोनों बच्चों की अपनी ही मर्ज़ी है, जो मर्ज़ी करते रहते हैं सारा दिन। दिन में पता नहीं मैं कितनी की दफ़ा ब्रश लगाती हूँ, मुझे तो इस चीज़ का भी अंदाज़ा नहीं है। कुछ भी खा लें, नीचे गिरा होता है, तो बच्चे छोटे हैं, तो इस वजह से मुझे क्लीनिंग करनी ही पड़ती है। और सच बता रही हूँ कि दिन में पता नहीं मैं कितनी की दफ़ा क्लीनिंग कर लेती हूँ। चलें जी, है कोई बात नहीं, इट्स ओके। तो यहाँ पे मैं बेक कर रही हूँ चिकन पैटीज, जो कि बहुत ही मज़ेदार मैं बने, और मैं इसकी रेसिपी भी आप लोगों के साथ मस्त शेयर कर दूँगी जी। तो बच्चों को नहाने के बाद लग गई थी भूख, तो उनके लिए मैंने फटाफट से बना लिए थे नगेट्स। बच्चे यहाँ पे नगेट्स खा रहे हैं। अच्छा जी, कुछ दिन पहले मैंने मैक्स से ऑर्डर किया था बच्चों के कपड़ों का, तो वो मेरा पार्सल भी मुझे अल्हम्दुलिल्लाह पहुँच चुका है। थोड़ा सा डिले हो गया था, वो भी थोड़ा सा अपनी ही मिस्टेक थी, तो इस वजह से थोड़ा लेट हो गया था पार्सल, बट चलें कोई बात नहीं, इट्स ओके। यहाँ पे मैं हस्बैंड लेके आए थे, तो मैं उनसे कह रही थी कि आप इसको खोलें, ताकि सबसे पहले हम कपड़ों को देख सकें कि हमारे ड्रेसेस पूरे थे। तो जी हाँ, ड्रेसेस पूरे थे और सारे ही कपड़े माशाल्लाह से बहुत खूबसूरत थे। आगे मैं इसकी आपके साथ वीडियो भी ज़रूर शेयर।
सबको वॉश करूँगी, इनके मैं टैग वगैरह जो हैं वो उतार लूँगी और उसके बाद मैं इनको कर लूँगी वॉश। ठीक है जी, यहाँ पे मुझे भी शदीद किस्म की भूख लग चुकी थी क्योंकि खाने पे वेट हस्बैंड का था, हस्बैंड ऑफिस से आएंगे तो हम लोग खाना खाएंगे, और यहाँ पे मैंने बनाया था चॉकलेट केक, तो बस अभी वही मैं खा रही हूँ। अगर आप लोगों को बच्चों की शॉपिंग अच्छी लगी है और मेरा व्लॉग आज का अच्छा लगा है तो कमेंट करके आप मुझे ज़रूर बताइएगा, और चैनल पे न्यू है तो काइंडली कीजिएगा ज़रूर सब्सक्राइब। और केक भी माशाल्लाह से बहुत मज़े का, बहुत सॉफ्ट बना था, मैंने कहा हस्बैंड के आने तक इसको ही ज़रा निपटा लेते हैं। चलें जी, मैं अपना करती हूँ केक फिनिश और आप लोगों से लेती हूँ इजाज़त। अपना रखिएगा बहुत सारा ख्याल और दुआओं में मुझे भी याद रखिएगा। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग जी, अल्लाह हाफिज़।